विकास तो अब क्या कहें, सही है जैसे हो रहा है। वो है कि सुनवाई तो होता नहीं है, खेत में जाना पड़ता है तो बंद हो जाता है, शौचालय जाए कहाँ। तो उसी लिए कहते जो वोट वोट मांगने आते हो तो भी देख के जाओ ना, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो समस्या दूर करो। बस कहने का मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं काट लिया, ना नौकरी दिया, पढ़ लिख के बेकार होके बैठे हैं कि ना बच्चे बैठे हैं पढ़ लिख के, नौकरी ना कुछ नहीं, कुछ दिया क्या दिया मोदी, मोदी कुछ नहीं दिया। अभी हम मौजूद हैं मदनपुर खादर वेस्ट, जो यहाँ पे न्यू प्रियंका कैंप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भीड़ जो जुटी हुई है, और यहाँ पर उदित राज जी आए हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो है बिज्जू पहलवान जी खड़े हुए हैं। तो उदित राज जी, अब जो है कांग्रेस का यहाँ पे बोलबाला दिख रहा है क्या? देखिए, ये प्रियंका कैंप है और लगभग 3500 छोटे मोटे घर हैं, झुग्गियाँ हैं, और इनको हमने समझाने की कोशिश किया केवल इनके वोट से ही ये लीड ले सकते हैं, जीत सकते हैं। मेरा ख्याल है ये गलती नहीं करेंगे, अगर ये नहीं जीतते, कांग्रेस नहीं जीतती तो कांग्रेस ऊपर तक मजबूत नहीं होगी, और कांग्रेस नहीं रहेगी तो आरक्षण नहीं बचने वाला, संविधान बचने वाला नहीं है, शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, शिक्षा भी नहीं प्राप्त होगा, महंगाई बेरोजगारी तो खैर है ही। तो ये लड़ाई केवल मदनपुर खादर का नहीं है, ये लड़ाई कहीं ज़्यादा इन बच्चों के भविष्य का है, इस कॉलोनी का है, संविधान बचाने का है, नौकरी बचाने का है, महंगाई बेरोजगारी तो है ही। तो मैंने यही अपील यहाँ पर किया, वास्तव में यहाँ पर महिलाएं शौच नहीं है यहाँ पर, तो मोदी जी से बड़ा झूठा दो आदमी इस देश में बहुत झूठ बोलते हैं, एक मोदी जी एक अरविंद केजरीवाल। तो मोदी जी ने कहा कि हर घर में शौचालय पहुंच गया है, तो वही झूठ वैसे झूठ बोला जैसे 15 लाख खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। तो ये झूठे हैं, और यहाँ आकर के आपके माध्यम से जानकारी पड़ी कि हर जगह इन्होंने झूठ बोला। तो यहाँ पर तमाम लोग की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में भीड़ है। न्यू प्रियंका कैंप है ये, यहाँ पर शौचालयों की जो समस्याएं हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से है, और यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है, महिलाएं भी हैं जो घरों से निकली हुई हैं। तो तमाम यहाँ पर जनता आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनसभा जुड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से उदित राज जी आए हुए थे, यहाँ पर तमाम जनसभा में महिलाएं भी मौजूद थी और तमाम बच्चे से लेके बूढ़े तक मौजूद थे। तो अभी ये कार्यकर्ता है, आप क्या नाम है? हाँ जी, हम कार्यकर्ता हैं, और आज से नहीं वर्षों से कार्यकर्ता हैं, और इसी तरीके से निरंतर हम कार्य करते रहेंगे और इसी पथ पर चलते रहेंगे। जो कांग्रेस की सच्चाई है, और जो अभी बिज्जू भाई को हमारे साथ जो चलना है, और बिज्जू भाई जो खड़े हुए हैं हमारे, हम उनको निरंतर प्रयास जीत की तरफ दिलाते रहेंगे और अपने वादों पर अटल रहेंगे हम। अभी टक्कर में तो बीजेपी जो है और आम आदमी पार्टी है, टक्कर में आर पार की लड़ाई उनकी है, लेकिन अभी आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी ये कांग्रेस से जीत पाएंगे यहाँ पर? मैम, ये आपकी सोच है, हमारी सोच में तो जो बात चल रही है, पूरा फेवर है, प्रॉपर जो फेवर है वो बिज्जू पहलवान जी की तरफ आ रहा है, लोगों का झुकाव पूरा जो है बिज्जू पहलवान जी की तरफ आ रहा है। आप प्रियंका कैंप को ही ले लीजिए, यहाँ पर जो जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पानी की प्रॉब्लम्स, रोड की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, अभी आप देखिए इनफैक्ट लाइट भी नहीं है, और दूसरा जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है जी, दवाई मेडिसिन, नाले जो गंदगी चल रही है, और सफाई जो है यहाँ पर प्रॉपर बिल्कुल नहीं है। तो वो जो मेन जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पर हम चलते रहेंगे। हम जब जीतते हैं तब भी ये काम को करेंगे और साथ हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर तो ये तो थे कार्यकर्ता, लेकिन जो है अभी जनता से भी मैं रूबरू कराऊंगी। क्या नाम है आपका? महेश जायसवाल। यही रहते हैं जी? यही रहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो है या निगम पार्षद कितनी बार आए हैं यहाँ के? यहाँ आता कभी नहीं। कभी नहीं आए? चलिए, अभी और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम आपको दिखा दूं मैं, सब में कैसा उत्साह है। तो क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है?
ना? हाँ, यहाँ रहती है ना, कब से रह रही है यहाँ? तो पुरानी बहू, कई साल से है। कितने साल से? 12-13 साल से ज्यादा। 13 साल से? अच्छा, 12-13 साल से यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी टूटी फूटी पड़ी हैं, नाले बह रहे हैं और महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, तो समस्या आती है ना। हाँ, समस्या। तो यहाँ पे इतने 15 साल से भाजपा की जो है सरकार है, तो वो लोग आए हैं यहाँ पे, आपका कभी दौरा किया है? कभी नहीं करा। कभी पूछा आपको? नहीं। तो फिर वोट तो आप लोग देते हैं और आपके लिए दौरा भी नहीं करते वो लोग? कहाँ दौरा करते हैं, पानी को तो समस्या नहीं दे रहा है, पीने वाला, पीने का पानी तो खादर से पानी लाती है। डोर के 4 बजे जाते हो? क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोलूं। देखो अभी बोल रहे थे, पढ़ते हो? पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th। 7th में पढ़ते हो? हाँ। तो यहाँ पे पानी की समस्या होती है, तुम लोग लेने जाते हो? खादर जाते हैं लाने। आप लोग लेने जाते हो? हाँ। इतनी छोटी सी है और आप पानी वानी लेने जाते हो? जाती है। जनता से और भी लोगों से बात करेंगे, और भी जनता है यहाँ पर, महिलाएं हैं, शौचालय की सोचिए समस्याएं हैं, कितनी दिक्कतें होती है महिलाओं को। इधर आ जाइए जरा, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम नाम है? नीलम जी कब से रह रही हैं? 22 साल। 22 साल से रह रही हैं। तो आप तो यहाँ का विकास का अच्छे से जो है बता सकती हैं कि कैसा विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो अब क्या कहें, सही है जैसे हो रहा है, वो है कि सुनवाई तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो तमाम आप महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं को दिक्कत होती है कि रात में शौचालय जाना, शौचालय बंद हो जाता है 10 बजे, मान लो लगता है बच्चे, मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, बंद हो जाता है, खेत में जाना पड़ता है। ऐसी बीहड़ खेतों में आप जाती हैं? हाँ, खेत में जाना पड़ता है तो बंद हो जाता है शौचालय, जाए कहाँ? शौचालय 10 बजे बंद हो जाता है, कौन करवाता है, किसके अंडर में आता है ये? अब किसके अंदर जो बना रखे हैं उन्हें, अब जो है करके जाते हुए। अच्छा, निगम पार्षद कितनी बार यहाँ पर चक्कर मारने आए हैं? निगम पार्षद कितनी बार आए हैं यहाँ पे दौरा मारने? आते रहते हैं जैसे कभी कभार। बीजेपी के आए हैं यहाँ पे निगम पार्षद? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। नहीं आए कभी भी? तो ये सड़कें इतनी टूटी हुई है, नालियाँ बह रही है, मैंने आगे गंदगी तो बहुत है, गंदगी बहुत है, क्योंकि गंदगी इसलिए बहुत है क्योंकि कोई देखने नहीं आता है। तो इसीलिए कहते जो वोट मांगने आते हो तो भी देख के जाओ ना, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो समस्या दूर करो। अब की बार किसके साथ जाएंगी? अब की बार देखते हैं किसके साथ, मैं अब क्या कहें, जो हमारे साथ देगा मैं उसी के साथ हूँ, जो हमारे बच्चे का भविष्य के लिए सोचे, हमारे सब के लिए सोचे, मैं उसी के साथ हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी दावे वादे कर रही है, भी शिक्षा मॉडल बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी है, भाजपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, कौन है टक्कर में? अब कोई भी रहे, हमें नहीं है, मुला ये है कि जो हमारे लिए सोचेगा उसी के लिए मैं करें, उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए बच्चे के लिए सुविधा करे। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हम पढ़े नहीं हैं। नहीं पढ़े हैं? नहीं। तो ये देखिए समस्या तो है, कितनी महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं यहाँ, शौचालय है, शौचालय 10 बजे बंद हो जाता है, सोचिए किसी को शौच आया हो तो क्या वो उस पर कंट्रोल कर सकता है, वो 10 बजे बंद हो जाता है। और भी यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी है, थोड़ा शर्मा रही है बात करने में। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अभी नहीं होगा तो अभी नहीं होगा। सरोज। सरोज जी मुस्कुरा रही है, क्या हुआ, कब से रह रही है यहाँ पे? बहुत 2500 साल हो गया। 2500 साल हो गए जो लोगों से अभी मैं पूछ रही हूँ, बहुत लंबे लंबे समय से रह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विकास का कुछ कार्य हुआ है? क्या हुआ, यही है सड़कें, कभी जो जिताता है वो सड़क डाल देता, कभी लेट है, क्या होता है कोई गति है, उसके बाद ये लाइटिंग नहीं है। हम लोग क्या लाइटिंग बनवाए हैं मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने, तो 11 बजे बंद हो जाता है। हाँ। उसके बाद हम लोग लाइटिंग जंगल जाते हैं, जंगलों में जाना पड़ता और क्या बच्चियां महिला जाते हैं, आदमी को ले जाते हैं, बेटों को लेके जाते हैं, बस ऐसे बीहड़ जंगलों में आप लोग कैसे चली जाती है, क्या करें, घर में बैठेंगे लाइटिंग करने? तो ये 10 बजे बंद करने का ऑर्डर दे रहा है, 11 बजे। और किसी को समस्या हो गई तो क्या करेगा वो, मतलब फिर उधर जाए? समिति खोलते हैं 5 बजे। अच्छा, उससे पहले नहीं खोलते हैं। क्या नाम है आपका? मालती देवी। मालती जी कब से रह रही हैं यहाँ? हम हूँ है 20-25 साल। 20-25 साल से, यानी बहुत साल से रह रहे हैं आप। हाँ, विकास के नाम पे तो ऐसा लग रहा है आपको पागल बनाया गया है। हाँ हाँ, विकास हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, रोड टूटी हुई है, नाली बह रहा है, पानी पीने का कैसे? थोड़ा बहुत पानी खरीदना पड़ता है, पानी तो हम पीने का बोल कर लाना पड़ता है, 20 रुपया बोतल देते हैं, खरीद के देते हैं पानी। इतनी महंगाई हो रही है, पानी भी 20 रुपए में खरीद रहे हैं? हाँ, 20 रुपए खरीद रहे हैं, अभी भी लिखा हुआ है डायरी में, पानी वाला आता दे जाता है,
अब वो पैसे देते इकट्ठा महीने में। अच्छा महंगाई महंगाई भी इतनी हो रही है, महंगाई है कि नहीं? महंगाई बहुत ज्यादा है, कमाई के असर से महंगाई तो बहुत है, कमाई है नहीं, महंगाई बहुत है, कमाई है नहीं और महंगाई बहुत है। तो ये जो समस्याएं हैं, तो अभी जो यहाँ पे निगम पार्षद जो है कभी आए हैं यहाँ पे चक्कर मारा है आप लोगों से? जाते हैं, जाते रहते हैं, हम यहाँ पर रहते नहीं है ज्यादा। क्या नाम है आपका? राधिका जी। राधिका कब से रह रही हैं यहाँ? हम ज्यादा दिन से नहीं रहे, ये 6-7 साल से। तो विकास के नाम पे तो कुछ पता है क्या? कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बस ये रोड सफाई किए हैं, क्या वो भी क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी तो कहते हैं महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, कुछ नहीं किए हैं, बस कहने का मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं किए। काट लिया ना नौकरी दिया, पढ़ लिख के बेकार होके बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं पढ़ लिख के, नौकरी ना कुछ नहीं, कुछ दिया क्या दिया मोदी? मोदी कुछ नहीं दिया। और केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि भैया स्कूल बनाए इतने बढ़िया बढ़िया, हाँ अरे हम तो कहते जो हमारा साथ देगा हमारे लिए भविष्य के लिए सोचेगा, मैं उसके लिए साथ हूँ। हाँ हमारे भविष्य के लिए अच्छा करेगा। इस बार वोट किसके साथ जाएंगे आप, किसके साथ जाएंगे, वोट कहाँ देंगे? वोट तो अभी पता नहीं, जे हमके अच्छा लगेगा तो वही देंगे। तो अभी तक तो दे ही रहे थे, तो अच्छा तो यहाँ पे अभी मेरे को तो कुछ, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि अच्छा है यहाँ पे। हाँ तो बताएंगे नहीं हम वोट किसके देंगे, लेकिन देंगे जी हम, फिर मन में भाएगा उसी के देंगे। तुम भी सुन रहे हो, राजनीति में इंटरेस्ट है, बच्चे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। भैया देख लिए, अभी महिलाओं से मैंने बात की है, तमाम समस्याएं सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को होती हैं, क्योंकि जब शौचालय बंद हो जाता है तो उन्हें बीहड़ जंगलों में जाना पड़ता है। सोचिए उन जंगलों में रात के 12 बजे के बाद जाना कितना सहज होता होगा। टूटी फूटी सड़कें हैं, नाले बह रहे हैं, सीवर है, यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है, सोचिए जीरो है, और उसके बावजूद भी 15 साल से MCD में भाजपा की सरकार है। तो अब परिवर्तन चाहते हैं जनता, और जनता लगातार ये कह रही है जो विकास करेगा हम उसके साथ जाएंगे, जो काम करेगा हम उसके साथ होंगे, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर जीरो जो दिख रहा है आपको, सड़कें जो टूटी फूटी हैं, तो वो तो अब 4 तारीख को जो वोट पड़ेगा वही बताएगा, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके नतीजे ही बता पाएंगे कि आखिर में कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, किस पार्टी से जीतेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, मदनपुर खादर वेस्ट, दिल्ली।